बात समझते हैं कि जो अलग अलग टाइप की रिसर्च डिजाइन होती है, जैसे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है ना, अनुसंधान खोजपूर्ण, एक्चुअली मैं इसको ट्रांसलेट किया था, तो आपके डिसिप्लिन में मतलब जैसे जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, तो एक्सप्लोरेटरी को एग्जैक्टली हिंदी में क्या कहते हैं वो देख लीजिए, पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि हम इस तरह से एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, परिकल्पना परीक्षण, जो अनुसंधान है, ये जो तीन चार टाइप के हैं, इसमें हम रिसर्च डिजाइन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जैसे एक्सप्लोरेटरी है, इसकी ये जो नाम है ना, ये एक्सप्लोर करना, ये जो यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि ये किसी भी घटना या किसी भी इवेंट के बारे में एक जानकारी देती है, और इसको हम जो है फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी कहते हैं, है ना, ये दूसरा नाम है। तो कई बार कंफ्यूज होने के लिए यूजीसी नेट में, जेआरएफ में या और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रिसर्च से संबंधित नाम दे सकते हैं कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज, या इस नाम से, तो फॉर्मुलेटिव। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इसका जो मेन उद्देश्य है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का, वो है फॉर्मुलेटिंग ए प्रॉब्लम फॉर ए प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन या फिर वर्किंग हाइपोथेसिस, कार्यकारी परिकल्पना जो होती है ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें ये हेल्प करती है। मतलब जब हम रिसर्च के बेसिक स्टेज में होते हैं, शुरुआत में होते हैं, तब हम किसी भी विषय पे, जो भी टॉपिक लें, किसी भी डिसिप्लिन में लें, हम चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशल वर्क हो, सोशियोलॉजी हो, हम सारे सोशल साइंस के डिसिप्लिन में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पहले क्या स्टडीज हुई है, क्या चीजें निकल के आई हैं, और एग्जिस्टिंग गैप कहाँ है, क्या चीज छूट रही है जिसपे हमको रिसर्च करके सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो शुरुआती दौर में वर्किंग हाइपोथेसिस या प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है उसको डिफाइन करने में, परिभाषित करने में हेल्प करती है। और इसमें ये होता है कि डिस्कवरी ऑफ इंसाइट्स, इससे ये पता चल सके कि पहले क्या चीज छूट गई थी, क्या लिमिटेशंस या जो परिसीमा रह गई थी, पहले क्या चीजें छूट गई थी, नई चीजें क्या हैं, वो इस रिसर्च में मेन फोकस होता है, ठीक है। और इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबल हो अप्रोच रिसर्च डिजाइन का। रिसर्च डिजाइन में हमने ऊपर में बात किया था कि रिसर्च कहाँ होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, लॉजिक क्या होगा, वो सारी चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी हो कि अगर हमको किसी भी स्टेज पे लगे कि हमारा प्रोसेस, हमारा मेथड, हमारा स्टैटिस्टिकल टेस्ट, हमारा सैंपल साइज, हमारा सैंपलिंग का मेथड, ये सब में चेंज करने की जरूरत है बिकॉज ऑफ जो ऑब्जेक्टिव है उसके आधार पे, तो फिर हमें उसमें चेंज करना चाहिए, वो इस बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें तीन चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा इधर ले लेता हूँ, ये जो रिसर्च डिजाइन होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन में, उसमें तीन चीजों के बारे में देखते हैं और उसी के मद्देनजर हम रिसर्च डिजाइन प्लान करते हैं। जैसे पहला है कि सर्वे ऑफ लिटरेचर, संबंधित जो पहले शोध कार्य हो चुके हैं, पहले हम उनको खोजते हैं, और उनको खोजने में, उनके बारे में जब हम पता लगाते हैं, चाहे वह लाइब्रेरी में बैठ के हो, इंटरनेट पर रिसर्च पेपर स्टडी करके हो, पीएचडी थीसिस रिव्यू हो, जो भी लिटरेचर हमें पहले से साहित्य है, जो भी रिसर्च अध्ययन हुए हैं, उनका सर्वे करना, जो आपका लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर 2 होता है वो इसमें जाता है, मतलब दूसरा अध्याय जो होता है पीएचडी में, पहला प्रस्तावना इंट्रोडक्शन, दूसरा लिटरेचर रिव्यू ऑफ लिटरेचर का होता है, साहित्य का पुनरावलोकन का। तो दूसरे चैप्टर की चीजें यहाँ पे पूरी चीजें आ जाएगी, और वहीं से हमको आइडिया लग जाता है कि पहले जो स्टडीज हुई है उसमें क्या, किस पैथ, क्या डिजाइन यूज की गई थी, क्या निकल के आया था। तो पहला पॉइंट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन में लिटरेचर को लेकर के रिव्यू को होता है सर्वे करना उसका, और उसी से हमको एक हाइपोथेसिस, एक एजम्पशन जो है कहीं ना कहीं जो एग्जिस्ट करती है, जो वास्तविकता में हमको देखने को मिलती है, उसके हिसाब से हम बनाते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट रिसर्च डिजाइन एक्सप्लोरेटरी में हमारा आ जाता है
लिटरेचर जो पहले से है। दूसरा एक्सपीरियंस सर्वे। अब एक्सपीरियंस सर्वे में क्या हो रहा है कि सर्वे हम करने जा रहे हैं फील्ड में जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिस प्रॉब्लम जिस चीज को लेकर के हम जो है समझने की कोशिश करते हैं, जो हम चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या होगा कि संबंध जो वेरिएबल्स के बीच में है, जो रिसर्च के उसमें है, वो क्या संबंध है, मतलब जो चर है हमारे स्टडी में उसमें क्या संबंध है, वो हम समझ सके, एक्सप्लोर कर सके, पता लगा सके, कौन आश्रित चर है, कौन निराश्रित चर है, वो सारी चीजें जो है हमको यहाँ देखने को समझने को मिलती है ना। जब हम एक्सपीरियंस सर्वे करने जाते हैं, चीजों को देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, जिसको उस फील्ड में जो इंफॉर्मेशन है या जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजों, ठीक है। दूसरा, जो रिस्पोंडेंट हैं उसमें से जो सक्षम रिस्पोंडेंट है उनका एक डाइवर्स अनुभव आ सके, वो भी हम पता लगाते हैं। और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोफेसर कोठारी साहब पूरे इंडिया में और वर्ल्ड लेवल पे काफी, मतलब उनकी अच्छी बुक है, बहुत बढ़िया उन्होंने रिसर्च करके इन चीजों को बताया है। मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है उनका मुझे स्टडी मटेरियल, उनकी बुक जो है, तो वहां से मैंने ली है। तो ये सारा जो नॉलेज है ये सर का ही है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि जो रिस्पोंडेंट है, जो सक्षम है, अगर वो डाइवर्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप से आते हैं, जिस टॉपिक पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं उनका अगर हम एक्सपीरियंस लें, तो वो बहुत बढ़िया होता है हमारे रिसर्च के डिजाइन में जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देन इंटरव्यू, इंटरव्यू जब हम करते हैं, लोगों से पता लगाने की कोशिश करते हैं किसी भी विषय पे ज्यादा गहन जानकारी के लिए, तो शेड्यूल उसमें जो होता है, मतलब फ्लेक्सिबल शेड्यूल होना चाहिए कि नई चीजें, नए मुद्दे भी जो है उसमें निकल करके आए। मतलब कई बार ये होता है कि इंटरव्यू में हम कुछ प्रश्न, कुछ बिंदु लेकर के पहले से पॉइंट्स बना के जाते हैं, और वहां लोगों से, एक्सपर्ट से या जो फील्ड में है या जो लोग हैं उनसे हम पूछते हैं। पर मैंने ये पर्सनली भी देखा है कि जब हम इंटरव्यू करते हैं तो बातचीत में बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आती हैं कि नए नए दृष्टिकोण निकल के आते हैं, नए नए पॉइंट्स निकल के आते हैं जो बहुत ज्यादा प्रासंगिक होते हैं, रेलिवेंट होते हैं जिस समय हम स्टडी कर रहे होते हैं, और वो चीज हमको नहीं पता होती। वो एक्सपर्ट या फील्ड में जो है या जो भी रिस्पोंडेंट है उनसे हमको पता चलता है। तो हमारे स्टडी में जब हम इस तरह का रिसर्च डिजाइन में एक्सपीरियंस सर्वे के लिए जाएं, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके जाएं कि हमको अगर कुछ नए पॉइंट्स, नए पहलू, नए दायरे भी देखने को मिले हमारे टॉपिक से संबंधित, जो प्रभावित करते हैं बिंदु, उनको हम इंक्लूड कर सके, उनको समावेशित कर सके अपने रिसर्च के डिजाइन में, वो चीज यहाँ बताई दी गई। और बहुत सिंपल सी बात है, कई बार इंटरव्यू छोटा होता है, कई बार काफी लंबा चलता है, काफी चीजें निकल के आती हैं। प्रश्न जो है रिस्पोंडेंट को, जब हम इंटरव्यू लेने जाएं या पता करने या क्वेश्चनियर फिल कराने जाएं, तो पहले से ही उनको जो है भेज दें, पहले से ही उनको शेयर कर दें, ताकि वो मानसिक रूप से और फिजिकली भी जो है तैयार रहे। वो मतलब कई बार ऐसा होगा कि हम डायरेक्ट अगर प्रश्नावली लेके जाएंगे या अपने प्रश्न लेके जाएंगे और पूछना चालू करेंगे, तो व्यक्ति जो है मानसिक रूप से तैयार नहीं होता है, और ये हम सभी के साथ, ह्यूमंस, मानव के साथ में ऐसा होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको आप अचानक से कुछ भी पूछेंगे जाके तो वो बताएंगे, क्योंकि वो काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, काफी उनका समय उस टॉपिक में, उस एरिया में रिसर्च करने में या फील्ड में काम करने में गुजरता है, तो वो 24 घंटा में कभी भी आप उनसे पूछे बता देंगे। पर मोस्टली अधिकतर लोग ऐसा होता है कि उनको थोड़ा पहले ही पता चल जाए कि हम आपके पास आने वाले हैं आपसे इस विषय पे समझने के लिए, ये हमारे कुछ बिंदु हैं जिन पे हम आपसे चर्चा करेंगे और अपना जो है शोध कार्य पूरा करेंगे, तो उनको उनसे काफी चीजें फिर ज्यादा अच्छे समझ में आती है, निकल के आती है रिसर्च में, और उसी चीजों को हमको रिसर्च में लिखना है, यूनिक, नई और इंसाइटफुल, यानी कुछ विश्लेषणात्मक कुछ चीजें निकल के आए, हमारे रिसर्च को यूनिक बनाए। तो रिसर्च डिजाइन हमारा इस तरह से होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, जो समस्या है रिसर्च हाइपोथेसिस या जो शोध परिकल्पना है,
उसमें जो मतलब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको हम कितने अच्छी तरीके से परिभाषित करते हैं, उसमें हम जितनी क्लैरिटी होगी। देखिए रिसर्च इज ऑल अबाउट बीइंग वेरी मच क्लियर कि हम चाहते क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। जितनी क्लैरिटी उद्देश्य में होगी उतना ज्यादा आपका मेथड जो है वो साइंटिफिक होगा। क्लास हो जाएगी उसके बाद में मैं आपको एक रिसर्च पेपर अभी आज दिखाऊंगा जिसको आप देखेंगे तो कहेंगे कि इस तरह भी रिसर्च होता है क्या। और वो रिसर्च पेपर जो है वो किसी गवर्नमेंट के प्रोफेसर ने नहीं पब्लिश किया, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पब्लिश हुआ है, अभी लेटेस्ट में पब्लिश हुआ है, इसी महीने हुआ है। क्योंकि जनरली गवर्नमेंट में कई बार चीजें अलग होती है, बट प्राइवेट सेक्टर कहा जाता है कि बड़ा कॉम्पिटिटिव है, बहुत ही वहाँ प्रतिस्पर्धा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? तो हम देखेंगे समझेंगे तो उसमें आप देखिएगा और आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको कि इस तरह भी रिसर्च किया जा रहा है। तो वो मैं लास्ट में एकदम सबसे अपन डिस्कस कर लेंगे, तब बात करेंगे। देन प्रैक्टिकल चीजें, ये मैं हमेशा बात करता हूँ सर या मैडम, हम जब रिसर्च करें या कोई भी लाइफ में काम करें, प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज को, प्रैक्टिकल चीजें वो लाइफ में, रिसर्च में हर जगह आनी चाहिए। जब तक प्रैक्टिकल चीजें नहीं आएंगी जो रियल लाइफ में घटित हो रहा है, ह्यूमन बिहेवियर हो या जो भी टॉपिक हम ले रहे हैं, तब तक आपके रिसर्च का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। और जहां ही आप दो तीन चार पॉइंट ही निकाल लेते हैं और उसको लोगों के बीच में रखते हैं तो आपकी रिसर्च की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि वो किसी न किसी को कुछ नया चीज दे रहा है, नया चीज निकल के आ रहा है, कुछ इंसाइटफुल। तो पहला पॉइंट जो हम बात कर रहे थे कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन में, वो होता है सर्वे लिटरेचर रिव्यू। अब इसमें कई लोग क्या करते हैं कि जो यूजीसी केयर लिस्ट में जर्नल्स हैं, स्कोपस इंडेक्स्ड जर्नल्स हैं, वेब ऑफ साइंस में जो जर्नल्स हैं, या जो भी डिसिप्लिन में टॉप मोस्ट जर्नल्स हैं उनके 50 पेपर, 100 पेपर, 200 रिसर्च पेपर्स को रिव्यू करते हैं और उसमें से फिर अपना जो है साइंटिफिकली वो बताते हैं कि भाई हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड स्कोपस में, वेब ऑफ साइंस में या यूजीसी केयर लिस्ट में हमने 200 300 शॉर्टलिस्ट किए, उसमें से ज़्यादा मोर प्रिसाइज 150 लगा और 150 में से फिर जो है 50 100 30 10 5 जितना भी हो वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त हुआ, तो हमने इस तरह से उसको साइंटिफिकली सिलेक्ट किया। और वहाँ पे ये चीज़ें, ये मेथड फॉलो किया गया था, ये चीजें निकल के आई थी और फिर हम उसी से। तो ये एक प्रोसेस हो जाती है कि जब हम रिसर्च डिजाइन प्लान करते हैं तो उसमें ये तीन चीजें ध्यान रखते हैं। पहला लिटरेचर रिव्यू, दूसरा एक्सपीरियंस सर्वे कि हम लोगों से भी थोड़ा सा देखें, जाके प्लान करें, इंटरव्यू लें, और तीसरा है इनसाइट स्टिमुलेटिंग एग्जाम्पल्स एनालिसिस। ये क्या चीज है, ये एक्चुअली क्या करता है, ये हाइपोथेसिस या परिकल्पना में जो है हमें मदद करता है। किस तरह से मदद करता है कि ये जहाँ पे बहुत कम मतलब अनुभव की चीजें हो, ऐसे क्षेत्र, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे एरियाज जिसमें कम चीजें निकल के आई हो या कम अनुभव लोगों के रहे हो या रिसर्च हुआ हो, वहाँ पे एक थोड़ा सा चीजों को लेकर के कुछ चीजों को रिकॉर्ड, जो एग्जाम जैसे यहाँ दिया गया एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज एंड अदर अप्रोचेस। तो इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर का एटीट्यूड है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो एबिलिटी है, उससे ये चीजें निकल के आती हैं कि वो अपने टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च की प्लानिंग कैसे कर रहे हैं। देखिए कुल मिला के अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है रिसर्च डिजाइन में कि हम जिस टॉपिक पे रिसर्च करने जाएंगे उसकी प्लानिंग कैसे करें, उसका ब्लूप्रिंट कैसे बनाएं, उसका डिजाइन कैसे करें। जैसे मैंने कल बात की थी ना कि रिसर्च डिजाइन में क्या होता है, आपको घर बनाना है तो हम लगाएंगे कि यहाँ पे हॉल होगा, रूम होगा, या फिर किचन होगा, बाथरूम होगा, तो वो पूरा प्लानिंग करते। उसी तरह से रिसर्च डिजाइन में भी हम प्लानिंग करते हैं कि हम किस एरिया में स्टडी करेंगे, डेटा किस तरह का लेंगे, एजम्पशन हाइपोथेसिस परिकल्पना क्या है, क्या मेथड स्टैटिस्टिकल लगाएंगे, कैसे उसको चेक करेंगे, सैंपल सैंपलिंग मेथड क्या होगा, सैंपल का साइज क्या। तो ये सारी चीजें रिसर्च डिजाइन में आती हैं।
तो जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन है उसमें भी जब हम डिजाइन करने से पहले, रिसर्च कंडक्ट करने से पहले, शोध कार्य से पहले हम पूरा ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जो है पेपर पे या जो भी डॉक्यूमेंट एक रेडी करते हैं कि हम अपने स्टडी को कंप्लीट कैसे करेंगे। और उसमें पहली स्टडी हम एक्सप्लोरेटरी की बात कर रहे हैं कि उसमें हमको जहाँ पे कम जानकारी उपलब्ध है, कम एक्सपीरियंस, कम चीजें हैं, तो वहां पे हम कई बार अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज भी करते हैं। अब ध्यान से समझिए, एक होता स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी हमने पहले से पूरा एक स्ट्रक्चर, एक खाका बना लिया है, साहित्य का पुनरावलोकन करके हमको एक आइडिया लग चुका है कि हम जिस टॉपिक पे स्टडी करने जा रहे हैं उस पे पहले क्या क्या चीजें हुई हैं और समाज में अभी क्या चल रहा है, चाहे वह न्यूज़पेपर से हो, चाहे वह रिसर्च पे, चाहे पीएचडी थीसिस से हो। क्योंकि शोध गंगा में आप जाएंगे तो वहां पे आपको पूरे इंडिया की आप सारी पीएचडी थीसिस वहां अवेलेबल है, बहुत सारी चीजों का स्टडी हो जाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से ऐसी कैजुअल, जो हमारा टॉपिक से संबंधित सिस्टमेटिकली कुछ प्लान बना के नहीं जाते हैं, हम जाते हैं उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं उस टॉपिक से संबंधित जो एक्सपर्ट हैं या जो फील्ड में लोग हैं, तो वो फिर अलग अलग चीजों के बारे में एक्सपीरियंसेस, अनुभव बताते हैं। वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड, यानी हमने कोई सिस्टमेटिकली कुछ पॉइंट्स पहले से नहीं बनाए हुए हैं, हम जा रहे हैं और अनस्ट्रक्चर्ड वे में बात कर रहे हैं और चीजों को फिर खंगाल रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अब ये रिसर्चर की योग्यता के ऊपर रहता है कि वो किस तरह से अपनी चीजों को निकाल के लेके आता है, जो उसको रिसर्च में, डिजाइन में जो चीजों को बनाना है। क्योंकि पूरा का पूरा जो आत्मा है या जो सोल है, दैट इज बेसिकली रिसर्च डिजाइन, किसी भी रिसर्च में, चाहे वो मास्टर डिग्री डिजर्टेशन हो, चाहे वो पीएचडी हो, चाहे एमफिल हो, कोई भी रिसर्च की आत्मा जो होती है वो रिसर्च डिजाइन ही होती है। और इंटरव्यू में जनरली रिसर्च डिजाइन से ही संबंधित सारी चीजें निकल के आती हैं। तो इस तरह से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन जो होता है वो हमें देखने को, यहाँ पे समझने को मिली। कुछ इसके बहुत ब्रीफ में चीजों को मैंने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ऑनलाइन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, कई बार ऑफलाइन रहने पर बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। तो बट दिस इज द इंटायर क्रक्स, दिस इज द समरी ऑफ बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स रिसर्च डिजाइन एक्सप्लोरेटरी का, ठीक है? देन डिस्क्रिप्टिव, आगे बढ़े या कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बताइए, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अब जैसे है कि डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव में क्या हो रहा है कि हम किसी भी समूह या किसी इंडिविजुअल के विशेषताओं को, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, विशेषताओं को, लक्षण को जो है बताते हैं, उसके बारे में वर्णन करते हैं। उसके साथ ही यहाँ बात की जा रही है कि फैक्ट्स, कुछ तथ्य, कुछ चीजें, कुछ आंकड़े, उस पे फोकस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ज्योग्राफी वाले आज हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं, तो एक एग्जाम्पल अचानक से मैं दे रहा हूँ। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में देखें, छत्तीसगढ़ या कुछ चार पांच राज्य, आज 16 जुलाई 2024 है, भारत के 90% स्टेट्स में एक्सेस बारिश हो रही है इस समय। जो सामान्य एवरेज से हम मेजरमेंट करते हैं, एवरेज से ज्यादा बारिश हो रही है, बट छत्तीसगढ़ और इसके आसपास के कुछ एक राज्यों में जो है वो बारिश सामान्य से 25 से 30% कम हुई है। तो बरसात के, रेनफॉल के, प्रिसिपिटेशन के कम होने के ट्रेंड्स को अगर हम एनालाइज करें फैक्ट फैक्ट बेस पे कि लास्ट 10 साल 15 साल में एवरेज कितनी बरसात हुई है, कितनी मिलीमीटर बरसात हुई है, तो क्लाइमेट चेंज का, या जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कितना पड़ा है रेनफॉल पे, है ना, ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट पड़ा है, अब उससे एग्रीकल्चर प्रभावित हो रही है, कृषि प्रभावित हो रही है, अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। तो जब हम फैक्ट्स लेके बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी
उत्पादकता की हम बात करते हैं, धान की उत्पादकता हो या किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, या लोगों की उत्पादकता हो कि कितने समय में कितना काम कर रहे हैं, तो जब हम फैक्ट्स पे बात करते हैं तो वो आप डिस्क्राइब करते हैं फीचर्स को किसी भी स्टेट ऑफ इकोनॉमी की, ज्योग्राफी की। जैसे अभी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट अगर हैं तो आप देखेंगे कि 543 लोकसभा विधान सॉरी संसद की जैसे सीटों में, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ट्रेंड क्या रहा है, कैसे चीजें रही। तो जब हम फैक्ट पे बात करते हैं, चाहे वह इंडिविजुअल्स के हों, चाहे वह ग्रुप्स के हों, या फिर सिचुएशंस, हाउ मेनी टाइम्स, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बहुत सामान्य एक तरह से जो है रिसर्च होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, जिसके बारे में लास्ट क्लास में भी समझे थे, अभी भी थोड़ा एक बेसिक देख रहे हैं। देन कम्स डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का नाम सुनते ही बहुत क्लियर है, डायग्नोसिस करना, पता लगाना, खोजना। अब डायग्नोस्टिक में क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी, कितने बार कोई चीज, कोई वेरिएबल, कोई चीज हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में पता लगाना। डायग्नोस्टिक में आप देखिए तो जो डॉक्टर्स होते हैं या जो बीमार वाला है, तो सबसे पहले क्या होते हैं कि वहां पे डायग्नोस किया जाता है कि किस वायरस, किस बैक्टीरिया के कारण आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, हमारे शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है। बुखार जो है वो एक सिम्टम नहीं है, वो एक दिख रहा लक्षण दिख रहा है कि आपका शरीर गर्म है, बॉडी गर्म है, बट वो क्यों हुआ है, उसके पीछे कौन सा, कहीं मलेरिया तो नहीं हो गया, मच्छर काटने से नहीं हो गया, या किसी और टाइफाइड तो नहीं हो गया। तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट या जो भी टेस्ट अलग अलग होते हैं उनके माध्यम से डायग्नोस करते हैं, रिसर्च करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। और फिर उसी तरह से हम यहाँ डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज में चीजों को ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव में भी वही हो रहा है और यहाँ पे भी वही चीज हो रही है कि हम शुरुआती दौर में चीजों को लेकर के ज्यादा क्लियरिटी ले आना चाहते हैं। अब डॉक्टर के पास जाते हैं वो डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं लगाते हो, या डायरेक्ट आपको ऑपरेशन नहीं कर देते, पहले वो टेस्ट करेंगे, देखेंगे, डायग्नोस करेंगे, पता लगाएंगे, उसके बाद उनका प्रोसेस पूरा होगा। तो इस तरह की जो रिसर्च डिजाइन होगी उसमें हम पहले इन चीजों को क्लैरिफाई करेंगे, उन चीजों को समझेंगे, उसके बाद अपने रिसर्च की प्लानिंग करेंगे। जैसे पहले के जमाने में होता था जो चीजें, पर अब अगर हम घर बनाते हैं, घर का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दिस इज वेरी मच रिलेटेड विद दिस रिसर्च, समझने के लिए। तो घर हम ऐसे ही थोड़ी बना देते हैं, कहीं भी, कहीं से एंट्रेंस होगा, कहीं से नहीं, हम पूरा वास्तु भी देखते हैं, हम देखते हैं कि पूरा जिस एरिया में है वहाँ स्पेस कितना बिल्डअप एरिया है, कितना क्या लोकेशन है, उसके हिसाब से। तो उसी तरह से डायग्नोस्टिक रिसर्च में भी जो है हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वेरिएबल्स, जो चर है, एक दूसरे से किस प्रकार प्रभावित हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्या एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है। तो हमें इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स सिर्फ अपने स्टडी में लेने चाहिए, जिससे हमारे स्टडी में कम टाइम में हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ क्लियरली चीजों को डिफाइन करके पता लगा सकें। तो इस तरह से ये होता है। अब इसमें बार बार ये चीज बार बार आ रही है कि हमें खोजना क्या है, पता क्या लगाना है, मेजरमेंट किसका लेना है, उसको क्लियरली डिफाइन करना। और मेजरमेंट के लिए मेथड, मेथड हम क्या यूज करने वाले हैं, पॉपुलेशन हमारी स्टडी का क्या होगा, सैम्पलिंग जब अभी हम पढ़ने वाले हैं अभी, आज ही अभी, तो सैम्पलिंग में जो है हम देखेंगे कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होती है, सैम्पलिंग क्या होता है, सैंपल क्या होता है, तो आगे अभी आएगा पॉपुलेशन के बारे में संबंधित। देन प्लानिंग में एक चीज होती है कि हमें अपनी जो रिसर्च, ये डायग्नोस्टिक रिसर्च में ये सुनिश्चित करना है कि हम उसमें जो बायसनेस है, जो एक भेदभाव कहेंगे एक तरह से, या पूर्वा क्या कहते हैं, पूर्व ग्रसित कुछ चीजों को लेकर के, कि नहीं सर मैडम, हम इस जगह पे रह रहे हैं तो हमको ज्यादा अच्छे से पता है, आपको नहीं पता, वो चीज नहीं होनी चाहिए। हमें बायसनेस को हटा करके हमारे रिसर्च की रिलायबिलिटी पे फोकस करना है, उस तरह से प्लानिंग करना है। और टाइम और एनर्जी या मनी जो है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को भी ध्यान रखना है। तो इस केस में जहां पे ये बात हो रही है कि रिसर्च डिजाइन में, डिजाइन ये जो डायग्नोस्टिक रिसर्च होगी इसमें क्या होगा कि मस्ट बी रिजिड एंड नॉट फ्लेक्सिबल,
ये चीज यहाँ कह रहे हैं। ये इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चलेगी, ऊपर वाले में फ्लेक्सिबिलिटी थी, यहाँ नहीं है। और यहाँ पे फोकस इन चार पांच पांच छह चीजों पे बात हो रही है। पहला कि जो उद्देश्य है उसमें हम क्या चीज के बारे में और किस तरीके से अध्ययन करने वाले हैं, मतलब हमारे उद्देश्य के आधार पे रिसर्च की डिजाइन डायग्नोस्टिक वाली होगी, और जो डेटा कलेक्शन की मेथड्स या टेक्निक्स होगी वो किस तरह से, कौन सा मेथड हम यूज करने वाले हैं। अब सैम्पलिंग में देखिए, सैम्पलिंग में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, मतलब यहाँ से ये वाली जो चीजें देख रहे हैं आप, ये सैम्पलिंग में आप जाएंगे तो क्लियरली समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो इसलिए अभी थोड़ा इस पे आगे बढ़ते हैं, फिर चीजों को समझेंगे। यहां तक किसी कुछ डाउट है क्या? ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ सैंपल कि हमें कितना सैंपल लेना है, डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग एनालिसिस, तो ये पांच छह पॉइंट्स हैं जिनको एक बार हमने फाइनल कर लिया तो फिर हम उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम उस पे फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं, एक बार आपका ब्लड टेस्ट और ये सारे टेस्ट जो भी हो गए, उसके बाद वो अपना ऑपरेशन या जो भी एक्टिविटीज, उनको जो इंजेक्शन देना है, जो दवा देना, ऑपरेशन करना है, वो उस पर आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो ये नहीं कहते कि नहीं, अभी रुकिए, अभी दूसरी बार एक बार और चेंज करके देख लेते हैं, दूसरा टेस्ट करा लेते हैं। जितना टेस्ट कराना है, डायग्नोस्टिक डायग्नोसिस जो है वो पूरा एक ही बार में सारा हो जाता है। उसके बाद फिर वो जो भी सिम्टम्स, जो भी चीजें वेरिएबल्स, जो भी चीजें वेरी होती हैं, जो भी पैरामीटर से बाहर चीजें आती हैं, उस पे फिर वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन डायग्नोस्टिक में, कि ये ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है। ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, और इसी हिसाब से हम चीजों को करते हैं। अब इसमें फिर वही बात है, ऑब्जेक्टिव्स रेलिवेंट डेटा के साथ में हमें बहुत क्लियरली डिफाइन करने होंगे ऑब्जेक्टिव्स को डेटा कलेक्शन में। इसमें फिर ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर, प्रश्नावली, इंटरव्यू और ये सारी चीजें होंगी, सैंपल साइज, सैंपल डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, ये सारी चीजें सारी रिसर्च में ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी। तो ये होगा, और फिर रिपोर्ट फाइंडिंग। अब ये जो देख रहे हैं, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे ये? इसमें दोनों में बताया जा रहा है कि किस तरह से अंतर है, मतलब दोनों स्टडीज में क्या बेसिक चीजें हैं। तो अब जैसे ओवरऑल अगर डिजाइन के बारे में बात करें, डिजाइन का मतलब ये है कि सर मैडम हम अपनी रिसर्च को कैसे आगे बढ़ाएंगे, हम रिसर्च करेंगे कैसे, हमारा पीएचडी का काम ओवरऑल कैसे होगा। तो एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव जो यहाँ बात हो रही है, ये इसको ऑफ ऑफ जो लिखा है वो मत सोचिएगा, और फॉर्मुलेटिव दोनों एक ही है ना, एक्सप्लोरेटरी कहिए या फॉर्मुलेटिव, दोनों नाम एक ही है, यहाँ ऑफ गलती से हो गया है। तो उसमें डिजाइन जो है वो फ्लेक्सिबल होगी, उसमें बहुत सारे पहलू जो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट से संबंधित हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में हम उसमें नई नई चीजों को, जैसे जैसे रिसर्च करते जाएंगे, हमको लगेगा वर्किंग हाइपोथेसिस या परिकल्पना जो है, शुरुआती जो है हाइपोथेसिस है, परिकल्पना, उसमें कुछ परिवर्तन करना है, कुछ नई चीज आ रही है तो उसको हम जोड़ सकते हैं। बट यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव या डायग्नोस्टिक जो रिसर्च है, डायग्नोस्टिक में, इसमें हम कह रहे हैं कि डिजाइन जो होगा, एक बार जो है वो चीजों को हम फाइनल कर लेंगे तो उस पर फिर आगे बढ़ेंगे और रिलायबिलिटी के ऊपर ज्यादा विश्वास करेंगे। तो एक रिजिड कि हमने एक बार फाइनल कर दिया, सारा स्टडी हमने होमवर्क कर लिया, अब हम बहुत ज्यादा उसमें फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो रिजिड डिजाइन होगी। देन सैम्पलिंग डिजाइन, सैम्पलिंग तो अभी हम जस्ट पढ़ेंगे तो उसको छोड़ देते हैं, बट यहाँ जो एक बात हो रही है कि एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव जो रिसर्च है उसमें हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन जनरली फॉलो करते हैं और करना चाहिए। अब नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये भी आगे है, बट यहाँ जस्ट समझने के लिए, जैसे डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक में प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैम्पलिंग है,
तो प्रोबेबिलिटी मतलब सबका समान अवसर, सबको समान अवसर मिलेगा सैंपल में, नमूने में सम्मिलित होने का, इंक्लूड होने का, मतलब कोई भेदभाव नहीं है, सबका इक्वल चांस है। बट जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं है। नॉन प्रोबेबिलिटी में है कि रिसर्चर अपने उद्देश्य के अनुसार या अपने जजमेंट के हिसाब से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेगा, उनका जो है एक बात सुनी जाएगी और उनका इंटरव्यू या प्रश्नावली भरा के पूरा रिसर्च उसी पे आधारित होगा। जबकि प्रोबेबिलिटी में नहीं, हम ऐसा कोई भेदभाव, कोई जजमेंट, कोई उद्देश्य, कोई सहूलियत रिसर्चर अपना नहीं देखेगा। वो ये देखेंगे कि जितने भी हमारे रिस्पोंडेंट हैं वो सबको इक्वल अवसर मिले, जैसे लॉटरी मेथड, लॉटरी निकलती है तो सबको रहता है कि भाई किसी की भी निकल सकती है, हमको पहले से नहीं मालूम। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे देखेंगे। देन स्टैटिस्टिकल डिजाइन। स्टैटिस्टिकल डिजाइन का मतलब ये हुआ कि कौन सा टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, हमारे डेटा के आधार पे क्या यूज होने वाला है, वो हम पहले से ऐसा कुछ जो है उसको डिसाइड नहीं करते। इसलिए लिखा है नो प्री प्लान डिजाइन फॉर एनालिसिस एक्सप्लोरेटरी फॉर्मुलेटिव में, वो जब बाद में डेटा आता है, चीजें आती हैं, देखते हैं, उसके बाद फिर हम चीजों को फाइनल करते हैं। जबकि डिस्क्रिप्टिव या इसमें डायग्नोस्टिक वाले में हम पहले से ही प्लान करके रखते हैं कि हम, चूंकि हमने सारा डायग्नोसिस कर लिया है, देख लिया वेरिएबल्स, उनके बीच में रिलेशनशिप देख लिया है, तो हम पता लगा लेते हैं कि हमें रिसर्च में किस तरह के स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है या टूल्स जो है वो यूज होंगे। ठीक है, और ऑब्जर्वेशनल डिजाइन में, ऑब्जर्वेशंस में अनस्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट्स डेटा कलेक्शन के लिए हम कुछ पहले से ही क्वेश्चनियर प्रश्नावली नहीं बनाते हैं, जबकि डायग्नोस्टिक वाले में, डिस्क्रिप्टिव इसमें जा करके हम स्ट्रक्चर्ड वेल थॉट इंस्ट्रूमेंट्स, प्रश्नावली, क्वेश्चनियर, जो भी आप कहते हैं शेड्यूल, वो सब पहले से जो है बना के टेस्ट करके फिर आगे हम बढ़ते हैं और आगे प्रोसेस कंप्लीट करते हैं रिसर्च की। देन ऑपरेशनल डिजाइन देखें तो नो फिक्स डिसीजन अबाउट द ऑपरेशनल प्रोसीजर, कि पहले से हम ऐसा कुछ भी नहीं देख, हमारा उद्देश्य होता है कि हम जाके देखें, थोड़ा चीजों को समझें, उसके आधार पे फिर हम अपना डिजाइन बनाएं। डिजाइन बनाने का मतलब कि हम अपना रिसर्च कैसे पूरा करेंगे, जैसे जैसे सिचुएशंस आती जाएगी, निकल के चीजें आएंगी, वेरिएबल समझ में आएंगे, उसके हिसाब से हम प्लान बनाते जाएंगे। लेकिन डायग्नोस्टिक वाले में यहाँ क्या हो रहा है कि हम एडवांस में डिसीजन प्रोसेस बना ले रहे हैं। इतना क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, चलिए फिर ये हो गया। देन हाइपोथेसिस या परिकल्पना जो हम लेते हैं, एक एजम्पशन जो लेते हैं, मान लेते हैं, उसका जब परीक्षण करते हैं तो उसमें होता है एक एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हम रिलेशनशिप, संबंध, सह संबंध क्या है चरों के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में, उसको टेस्ट करते हैं, उसको पता लगाते हैं। अब चूंकि रिसर्च इतना व्यापक है, इतनी बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए हमको हमेशा जो है कोशिश करना चाहिए कि जो बायसनेस है वो हटा सके। मतलब हम, हमारे किसी भी पूर्वाग्रह को या हमको जो लगता है, हमारा जो अनुभव है, उसके आधार पे नहीं जाना है। हमको जो वेरिएबल्स का, जो डेटा का स्वरूप और उसका स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, जो डेटा वेरिएबल्स, जो ट्रेंड निकल के आ रहा है, रिलेशनशिप आ रहा है, उनके आधार पे फिर एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करना है। एक्सपेरिमेंट में एक क्वेश्चन ये जनरली पूछते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का जनक या कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो इसमें प्रोफेसर फिशर जो है उनको, उनका नाम आता है, और उन्होंने जो है सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इंग्लैंड में पहले एक्सपेरिमेंट को लेकर के पहली बार ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के ऊपर काम किया था। तो इसमें इन्होंने क्या किया था बेसिकली, कि एक पर्टिकुलर खेत है, वहां पे अलग अलग जो है ट्रीटमेंट दे करके या फिर दवाइयों का छिड़काव करके या कुछ भी, इस तरह से प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है एग्रीकल्चरल एरिया में रिसर्च करके, तब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के बारे में बात की गई थी। और
इसी के आधार पे फिर जो है साइंटिफिक हाइपोथेसिस जो है विश्वसनीय जो हो, रिलायबल जो हो, वो बनने चालू हुए अलग अलग डिसिप्लिन्स में। ये यहाँ किया गया है अक्रॉस डिसिप्लिन्स, ये है ना यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर से स्टार्ट हुआ था, फिर एजुकेशन में जैसे बीएड वगैरह में भी आप देखें, या साइंस टेक्नोलॉजी बहुत सारे एरियाज में जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट के नाम से जो है बेसिकली आप देखें तो क्या होगा कि किसी एक समूह को एक विशेष ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, एक को नहीं दिया जा रहा है, नॉर्मल कंडीशन में है। तो जिसको विशेष ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, सुविधा दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, गवर्नमेंट का कुछ बेनिफिट प्रोग्राम का कुछ दिया जा रहा है, उसका वर्सेस जिसको नहीं मिल रहा है, दोनों बीच में कुछ डिफरेंस है क्या? मतलब एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है, जो भी एक विशेष सहूलियत दी जा रही, उसका प्रभाव कितना हो रहा है, इम्पैक्ट कितना हो रहा है, वो एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। तो इसमें इन्होंने तीन चीजें बताई हैं, तीन सिद्धांत दिए हैं प्रोफेसर फिशर ने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में। ये चीज एग्जाम में भी आती है ना, प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट किया जा सके, मतलब उसको किसी और के द्वारा भी किया जा सकता है। रेप्लिकेशन मतलब ये हो गया, रैंडमाइजेशन और लोकल कंट्रोल। तो रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है कि एक्सपेरिमेंट शुड बी रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, कई बार जो है हमको जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि वो वैलिड हो, रिलायबल हो। अब जैसे दवाइयों के केस में जो मेडिसिन्स आती हैं, उनका पहले ट्रायल होता है, उनका चेक किया जाता है, जानवरों पे कई बार चेक होता है, फिर इंसानों को, उसके बाद फिर जो है वो मार्केट में आती है और वो डॉक्टर्स के पास पहुंचती है। तो कई बार उसका टेस्ट होता है। दूसरा, जो गाड़ियां हम यूज करते हैं, कार कार में जो एयर बैग्स लगे होते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट, कि अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ तो ये एयर बैग बाहर निकल आएगा और हमको सुरक्षित बचा लेगा, उसका भी टेस्ट होता है। कई बार उसका जो है टेस्ट किया जाता है, जिसको एक्सपेरिमेंट के उसमें देखते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो ट्रीटमेंट है, ईच ट्रीटमेंट अप्लाइड टू मल्टीपल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, ये थोड़ा सा और अंदर में इनडेप्थ जाने वाली चीज है, बट अभी चूंकि हम एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं, तो सिंपल सा ही समझ रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन में, कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कई बार जो है उसको हम चेक करते हैं, देखते हैं, और इससे क्या होती है, हमारी जो स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी है रिजल्ट की, जो आउटकम निकल के आएगा वो बढ़ता जाता है, विश्वसनीयता बढ़ती जाती है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन में क्या हो रहा है कि जो बाहरी फैक्टर्स हैं, उनको उनका प्रभाव कितना पड़ रहा है। एक होता है आंतरिक कारक जो शोध में चरों को, वेरिएबल्स को प्रभावित करते हैं, और दूसरा होता है बाहरी फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक समझने के लिए बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ एट ए जस्ट टाइम। जैसे अभी बरसात हो रही है, तो बरसात में हम क्या करते हैं, हम मतलब अपने लिए बहुत प्रिकॉशंस, बहुत ध्यान रख करके आगे चलते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि फिर भी हम भीग जाते हैं। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए, हमारे जो वेरिएबल्स हैं, हमारे जो रिसर्च है वो साइंटिफिकली हो, पर वो अनएक्सपेक्टेड कुछ बाहरी कारक से प्रभावित हो जाते हैं। तो सिद्धांत में यही कह रहा है कि हमको बाहर के जो कारक हैं, जो प्रभावित करेंगे रिसर्च से, उनको दूर करने की दिशा में सोच करके फिर डिजाइन रिसर्च का प्लान करना है। तो इतना डरने की बात नहीं है, अभी तो सिर्फ एक बेसिक थोड़ा समझ लीजिए, आगे जब आपका ऑब्जेक्टिव फाइनल होगा, आगे बढ़ेंगे और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन करेंगे, तब फिर हम बहुत ज्यादा होंगे, अभी जस्ट एक बेसिक आइडिया थोड़ा सा लेना है। ठीक है, क्योंकि जो रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह स्पेशली जो होता है, उसमें इस तरह के वेरिएबल्स, इस तरह की चीजें निकल के आती हैं। ठीक है, इसलिए इतना ज्यादा आपको परेशान या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा एक आइडिया रहे, इसलिए मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। दूसरा, इसमें जैसे बात हो रही कि रैंडमली असाइनिंग राइस वेराइटीज टू फील्ड पार्ट्स टू अकाउंट सॉइल फर्टिलिटी डिफरेंसेस। अब
मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितना उत्पादन होगा किसी भी क्रॉप का, किसी भी जो है फसल का, तो सॉइल की फर्टिलिटी अलग-अलग खेत में अलग-अलग है। उसको चेक करने के लिए हम जो राइस की वैरायटी, फॉर एग्जांपल धान की जो वैरायटीज हैं, धान में भी है ना चावल जो हम खाते हैं अलग-अलग, उसको चेक करना है। तो हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि सॉइल में डिफरेंस है, सॉइल की फर्टिलिटी में डिफरेंस है, या फिर कुछ और फैक्टर्स हैं जो राइस की या किसी भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, फसल की उत्पादकता को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। साइंस में जनरली इस तरह की चीज़ों को लेकर के हम जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए इतना ज़्यादा इसमें नहीं जाते, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? या फिर और डिस्कस करें इस पे, बताइए आप लोग। हाँ, मैं फील कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से रिसर्च डिजाइन बेसिकली जो है होती है। अब थोड़ा सा देखते हैं सैम्पलिंग का। ये फोटो दिख रही है आपको? देखिए, इसमें एक ये जनसंख्या है, इसमें वैरायटी ऑफ लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और उनमें से ये सैंपल निकाला गया है। कुछ लोग चुनिंदा है ना? तो प्रश्न सबसे पहला ये होता है कि सैंपलिंग क्या होती है। तो मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। डांसिंग, सिंगिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, मूविंग, जहां पे वर्ब प्लस ING लग गया है। डांसिंग तो नाच रहे हैं अभी हम, सिंगिंग गाना गा रहे हैं। उसी तरह से सैंपलिंग, सैंपल लेने की प्रक्रिया, ये टोटल पॉपुलेशन है, इसमें से कुछ लोगों को चुन लेते हैं। तो किस आधार पे हम चुनेंगे, वो जो प्रक्रिया है उसी को हम सैंपलिंग का कहते हैं। सैंपलिंग वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को, ये जैसे यहाँ दिया गया ना कि ज्यादा लोग हैं, उनमें से कुछ कुछ चुन रहे हैं जो पूरे पॉपुलेशन को, पूरी जनसंख्या को जो है रिप्रेजेंट करेंगे, उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं रिसेंटली, 2 महीना पहले, 3 महीना, तो हमने सांसद महोदय जी को, महोदया जी को चुना है। संसदीय क्षेत्र में जो जनसंख्या है, वोटर आईडी बनी हुई है, 18 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति हैं वो संसद, अपने जो सांसद हैं उनका चुनाव करते हैं, चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं उनको कि कौन हमें रिप्रेजेंट करेगा, हमारी आवाज बनेगा संसद में। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, प्रतिनिधित्व हो रहा है। जगदलपुर, सॉरी, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जो संसदीय क्षेत्र है वहां पे लाखों की जनसंख्या है, तो लाखों की जनसंख्या में से किसी एक व्यक्ति को ये चुनेगी जनता और उनको कहेगी कि आप हमारा प्रतिनिधित्व करिए, रिप्रेजेंट करिए। तो वो तो इलेक्शन का, डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस हो गया। बट सिमिलर पैटर्न पे हम सैम्पलिंग में भी जाते हैं। हम सैम्पलिंग में अगर हमें करना है रिसर्च, शोध कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल संभव नहीं है कि हम सबके पास जाएं और उनसे पूछें हमारे टॉपिक से संबंधित कि आपकी क्या राय है, क्या समस्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उतना हमारे पास संसाधन नहीं होते, और हैं भी तो बहुत टाइम लगता है कि 500,000 लोग, 2,000, 10,000 लाख लोगों से हम कैसे करेंगे। तो इसीलिए सैंपलिंग किया जाता है कि सैंपलिंग एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बड़ी जनसंख्या से हम कुछ चुनिंदा लोगों को चुनते हैं और फिर उनसे उनके अनुभव, उनके विचार, उनके सुझाव लेते हैं अपने जो टॉपिक पे हम स्टडी करने जा रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, इतना क्लियर है सैंपलिंग क्या होती है? किसी को पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है? नहीं तो फिर आगे बढ़े।
अब यहाँ दो चीजें देखिए आप देख रहे हैं, एक है सेंसस इंक्वायरी और दूसरा है सैंपल सर्वे। सेंसस जनगणना हर 10 साल पे भारत में, तो उसमें क्या होगा कि हम हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे जिले में, हमारे जनपद में, हमारे ग्राम पंचायत में, गांव में कितने लोग हैं, प्रति परिवार में उनकी उम्र क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, उनके पास क्या-क्या संसाधन है, साइकिल है कि नहीं है, कि बाइक है, कि कार है, कि आपके पास घर में फ्रिज है, कि टीवी है, कि पंखा है, कि एसी है, मोबाइल फोन है, टेलीफोन है, कितना कमाते हैं, क्या पेशा है, सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं पूरी तरह से। वो होता है सेंसस इंक्वायरी, सेंसस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। और इसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेट होती है, एकदम परफेक्ट होती है, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं हमारे क्षेत्र में उन सब का आंकड़ा इकट्ठा करते हैं हर चीज, और इसीलिए ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। 2021 का सर्वे अभी 2024 हो गया, नहीं आ पाया है बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस, बहुत टाइम, बहुत पैसा, बहुत संसाधन लगते हैं। और इसमें कई बार क्या होता है कि बायसनेस आ जाती है। बायसनेस का मतलब ये हो गया कि बहुत सारी चीजें प्रभावित कर देती हैं, जैसे जनसंख्या, कास्ट हो गई, या और भी बहुत सारी चीजें। तो मेरा आपको यहाँ बताने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि सेंसस मेथड एक मेथड होता है, प्रक्रिया है जनगणना की, जिसके माध्यम से हम हमारे क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनके बारे में कंप्लीटली, इसको इसीलिए नाम, दूसरा नाम इसका है कंप्लीट इनोमरेशन मेथड। सेंसस मेथड, जनगणना मेथड को कंप्लीट इनोमरेशन मेथड भी कहा जाता है। ये एक प्रश्न जो है हो सकता है कभी बने, तो एक ये हो गया। दूसरा, कई बार इसमें क्या होता है कि लार्ज, बहुत जब ज्यादा, जैसे अभी हमारे यहाँ 140 150 करोड़ जनसंख्या में आप सोचिए कितने लोग लगेंगे, तो एक ये मेथड है। दूसरा है सैंपल का, जो हम रिसर्च में करते हैं। हम रिसर्च में सबके पास तो नहीं जा सकते, टाइम, एनर्जी, मनी, फाइनेंस, रिसोर्सेस, सब चीजों को ध्यान में रख के, तो हम जो है सैंपल सैंपल लेते हैं। अब डॉक्टर के पास जाते हैं आप, हम सब लोग, तो डॉक्टर क्या पूरा खून निकाल के चेक करते हैं? बोलते हैं बाद में फिर से रिफिलिंग कर देंगे, आपको डाल देंगे, करते हैं क्या ऐसा? कितना लेते हैं? बॉडी से बहुत कम सैंपल निकालते हैं, और उसी ब्लड के सैंपल से पूरे बॉडी में जितने भी आपकी बीमारियां, उन सब का टेस्ट हो जाता है। तो सैंपल जो है, जो नमूना है, वो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन दे रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है उस जनसंख्या का। अब बात ये हो रही कि जनसंख्या रिसर्च में क्या होती है, क्या वो सारे लोग हैं जो एक जगह पे रह रहे हैं, या फिर जो हम स्टडी कर रहे हैं? तो जनसंख्या होती क्या है रिसर्च में, मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ, सामान्य जनसंख्या तो आपको, हम सबको मालूम है, शोध में जनसंख्या क्या होती है, कोई बता सकता है? थोड़ा सा और प्रिसाइजली, कोई बहुत सही बताया आपने, बट थोड़ा सा और अगर हम देखें तो, कोई भी ऐसे ही डिस्कस करने के लिए, मैं कोई जजमेंटल नहीं हो रहा हूँ कि आपको आता है कि नहीं आता है, जस्ट ऐसे ही बताइए। ठीक है, चलिए मैं ही बताता हूँ। देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल हम युवाओं का अध्ययन कर रहे हैं, युवाओं में किसी भी चीज को लेके क्या उनका बिहेवियर है, क्या चॉइस है, क्या डिसीजन है, तो युवा कौन सा एज ग्रुप ले रहे हैं,
और उस एज ग्रुप में भी किस पर्टिकुलर लोकैलिटी को, युवा तो छत्तीसगढ़ या भारत या विश्व में हर जगह है, कौन से जो हमारे एरिया ऑफ स्टडी, जो आपने कहा ना एरिया ऑफ स्टडी जो है क्षेत्र जिस विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं, वहां पे युवा जो है 18 से 30 साल, 18 से 25 साल, ये जो भी हम डिफाइन करते हैं रिसर्चर, वो हमारा पॉपुलेशन होंगे। अभी एक है आगे थोड़ा हम बात करेंगे उस बारे में, बट सैंपल सर्वे इसलिए किया जाता है कि हम सबके पास जा करके आंकड़े, सबके विचार, सबके अनुभव साझा नहीं कर सकते, उनसे नहीं अनुभव ले सकते, उनसे नहीं क्वेश्चनियर फिल करा सकते, इसीलिए कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही चुन करके और हम जो है उनसे उनके विचार अनुभव जो भी है वो लेते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से जितने भी लोग रिसर्च एरिया में आते हैं उनसे जाके मिलना बहुत ही इम्प्रैक्टिकल, यानी कि बहुत ही एक महंगा होगा, महंगा मतलब कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और संभव नहीं होगा। इसीलिए समय और लागत या जो भी खर्च है उन सबको ध्यान में रखते हुए हम जो है अपनी एफिशिएंसी, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सैंपल जो है लेते हैं, ताकि वो पूरे जनसंख्या का जहां से ले रहे हैं उनको उनका प्रतिनिधित्व करें। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये कुछ पांच फीचर्स हैं, पांच विशेषताएं हैं एक अच्छे सैंपल डिजाइन की। सैंपल डिजाइन में क्या होगा कि हम ऐसे कौन से लोगों को चुने जो सही जानकारी दे। फॉर एग्जाम्पल सर्वे होता है, एक सैंपल लेती है सरकार, या चलिए ठीक है अभी का लाइव एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी ये सेशन हो रहा है, अब इसमें से जितने लोग मान लीजिए 15-20 लोग जुड़े हुए हैं, अब 15-20 लोगों से ओपिनियन लिया जाए कि ये आपकी क्लास कैसी लगी, कोई बाहर का पर्सन लेता है या कोई भी, तो अब वो 20 लोगों से बात करने का टाइम नहीं है, तो वो क्या करेंगे किसी एक से, दो से, तीन से लोगों से पूछ लिया कि क्लास में ठीक से पढ़ाया जा रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्रश्न पूछने का मौका दिया जा रहा है, भाषा अच्छी है, सब्जेक्ट टॉपिक अच्छा है, प्रेजेंटेशन वगैरह वगैरह। तो वो होगा जो दो तीन लोग, चार लोग सुने जाएंगे वो होंगे सैंपल, 15-20 लोग जो अभी जुड़े हैं हम लोग उनमें से वो प्रतिनिधित्व करेंगे बाकी सबका। अब मान लीजिए उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिकॉज मुझे पहले से जानते हैं या हम लोग पहले से हमारे संबंध हैं, भले मैं कितना खराब पढ़ा रहा हूँ बोलते नहीं सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं, तो वो बायसनेस आ गई। या फिर मैं कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हूँ कुछ लोग मुझसे नाराज हैं किसी भी कारण से, तो मेरे बारे में कहेंगे नहीं नहीं वो अच्छे नहीं पढ़ा रहे, तो ये बायसनेस हो गई, ये एक तरह से पूर्वाग्रह से प्रभावित हो करके जिस सैंपल को रैंडमली लिया गया वो उसने पूरा जो रिजल्ट आना चाहिए उसको प्रभावित कर दिया। तो अब 15 लोगों में से रैंडमली किसी को चुन लिया जाए तो वो रैंडम सैंपलिंग होगा, लेकिन जो मेरे फोन नंबर जिनके पास मेरा सेव है अगर मैं उन्हीं से ही पूछता हूँ तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो जाएगी। आगे है वो अभी देखते हैं। तो सैंपल जो हमारा होगा, जो नमूने हम लेंगे, वो वास्तविकता के आधार पे पूरे जो पॉपुलेशन है उसको उसका प्रतिनिधित्व करे, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, देन समय कितना है, कितना वायबल है, कितना संभव है, असंभव नहीं, समय सीमा रहती है किसी भी चीज की, और फंड्स अवेलेबल कितने हैं रिसर्च स्टडी में। जनरली एक होता यह है कि जब हम पीएचडी के बाद में किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, किसी और रिसर्च में जहाँ पे फंडिंग होती है कि आपको रिसर्च करने के लिए पैसे मिलेंगे, जो भी खर्चा होगा रिसर्च में आना जाना वगैरह में, तो उस फंड कितना अवेलेबल है उसको भी ध्यान में रख करके सैंपल का डिजाइन किया जाता है। और एक चीज यह है कि कम से कम एरर हो, सैंपलिंग एरर कम हो। अभी सैंपलिंग एरर क्या है, सैंपल सिलेक्शन प्रोसेस में सैंपल से जो चीजें ली गई तो वो सारी चीजें जो गलतियां हो जाती हैं बाय मिस्टेक, चाहे वो मैनुअल हो या फिर सैंपल सिलेक्ट करने में प्रोसेस में हो, वो गलतियां कम से कम हो ये कोशिश किया जाना चाहिए, तभी हमारा सैंपल डिजाइन अच्छा हो। और
इसमें जो सिस्टमैटिक बायस होता है, जो भी हम बात कर रहे थे पूर्वाग्रह या जो भी हो, उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, हटा सकते हैं, वो अगर होता है तो सैंपल जो है प्रतिनिधित्व तो जो करेगा पूरी जनसंख्या का वो अच्छा होगा, ठीक है। और इसमें सैंपल कुछ इस तरह का होना चाहिए कि जो रिजल्ट निकल के आए वो जो यूनिवर्स है उसमें रीजनेबल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ निकल। देखिए एक चीज होती है यूनिवर्स, एक होता है पॉपुलेशन, है ना। चलिए यहाँ पे आ जाते एक बार, ये देख लेते हैं, ये दिख रहा है आपको। यूनिवर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि किसी भी क्षेत्र में यूनिवर्स फाइनाइट हो सकती है। फाइनाइट मतलब संख्या, एक होता है असंख्य, जो यहाँ पे बात की गई असंख्य जनसंख्या। सर मैडम आपके जिले में कितने लोग हैं, तो उनकी गणना हो सकती है, उनको हम पता लगा सकते हैं। आपके शहर में कितने पेट्रोल पंप हैं, तो हम पता कर सकते हैं। आपके जिले में, आपके गांव में, आपके जनपद में कितने बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, 0 to 5 years, पता लगा सकते हैं। क्यों, कैसे होता है, जन्म मृत्यु पंजीयन होता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनती है, वहां से पता चल जाएगा कि XYZ महीने में इतने बच्चे जो है उनका जन्म हुआ या इतनी मृत्यु हुई। तो वो फाइनाइट हो गया, संख्य हो गया, उनकी संख्या, उनकी गणना हो सकती है। तो एक यूनिवर्स ये हो, दूसरा इनफाइनाइट। जैसे इनफाइनाइट में क्या हो गया, पोटेंशियल कस्टमर्स ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हमको नहीं मालूम है कि जो भी कोई भी एक प्रोडक्ट है या बहुत सारे प्रोडक्ट है उनके कितने यूजर्स, कितने कंज्यूमर्स हैं, हमें नहीं मालूम है। कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट सेल करती है या वस्तुएं सेवाएं दी जाती हैं, हमें मतलब कंपनीज को या संस्थाओं को या लोगों को कई बार नहीं पता होता कि जो वस्तुएं या सेवाएं उनके द्वारा प्रदान की जा रही है उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितने उसको चाहने वाले, पसंद करने वाले लोग हैं। इसीलिए एक तरह का यूनिवर्स ये होता है जो इनफाइनाइट है। अब जैसे ज्योग्राफी में देखें या खगोल शास्त्र में देखें तो आसमान में कितने तारे हैं, इनफाइनाइट, वी कैन नॉट काउंट, है ना। लेकिन किसी एरिया में जनसंख्या कितनी है वो आ जाएगी, तो उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं ये यहाँ पे ये पॉपुलेशन, ये दिख रहा है। पॉपुलेशन में जैसे हम बात कर रहे थे कि कितने लोग हैं, पॉपुलेशन यहाँ जो भी हम ऊपर बात कर रहे थे, हाँ पॉपुलेशन में, थोड़ा म्यूट कर लीजिए भाई, है ना। तो पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, वो लोग जो जो हमारे अध्ययन के केंद्र बिंदु में है, सेंटर में है, वो हमारे पॉपुलेशन होंगे। फॉर एग्जाम्पल यूथ, तो यूथ, युवा या वृद्धजन या महिलाएं या दिव्यांगजन या ग्राम पंचायत, कोई भी एक क्षेत्र हो सकता है जहां पे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल, लोग जो हमारे अध्ययन से संबंधित हैं, जिनसे हम को प्रश्न पूछना है या जानना है, वो टोटल जो है, देखिए ये पॉपुलेशन है काफी बड़ा है इसका ये दायरा, और उसी में से सैम्पलिंग फ्रेम लेते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब हुआ कि हमने एक फ्रेमवर्क, एक लिस्ट बना ली कि हम इनसे जा करके पूछेंगे। अब इनमें से कुछ लोगों को जो हम लेंगे वो सैंपल होगा हमारा। ये क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ग्राफ, ये डायग्राम देख के। जिनको नहीं आएगा बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है, पूछना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि यूनिवर्स हो गया जो फाइनाइट, इनफाइनाइट जो पॉपुलेशन है वो,
उसके बाद में है सैंपलिंग यूनिट। तो सैंपलिंग यूनिट, जब हम इकाई की बात कर रहे हैं, सैंपलिंग यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सैंपल में ज्योग्राफी में जैसे जिला हो गया, राज्य हो गया, या फैक्ट्रीज हो गए, परिवार हो गए, इंडिविजुअल व्यक्ति हो गए, इनकम ग्रुप हो गया, ये हमारा सैंपलिंग यूनिट होगा, इकाई, नमूने की इकाई। किस किससे हम जो है नमूने जो है वो लेंगे, ये ज्योग्राफिकल एरिया भी हो सकता है, जिला, राज्य, पंचायत, ग्रामीण स्तर कहीं पे भी, या फिर फैक्ट्रीज या परिवार या सामाजिक वर्ग या व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों का समूह, इस तरह से ये हमारे सैंपलिंग यूनिट होते हैं। तो जब हम लोगों के पास जाके नमूने कलेक्ट करते हैं, तो सैंपलिंग यूनिट हमारी क्या है वो जानना बहुत जरूरी होता है, और उसको हमें मेंशन करना है अपने रिसर्च के डिजाइन में कि हमारा इकाई क्या है, हमारी इकाई क्या है ज्योग्राफिकल एरिया में। जैसे उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ है ना, उधर सरगुजा का एरिया, इधर बस्तर का एरिया, ये, या फिर प्लेन एरिया, सामान्य एरिया, तो या ग्राम पंचायत, जिला, या जो भी राज्य। ये क्लियर है कि नहीं सैंपलिंग यूनिट? तो ये एक महत्वपूर्ण चीज होती है जो हमको रिसर्च में अपने डिजाइन में बतानी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। देन सोर्स लिस्ट या सैंपलिंग फ्रेम, ये जो यहाँ दिया ना, ये सैंपलिंग फ्रेम, वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि ये लिस्ट है। किस चीज का लिस्ट है? वो सारी चीजों का जहां से हमको सैंपल लेना है, नमूना लेना है। अब फॉर एग्जांपल, आपके कॉलेज में अगर 5,000 स्टूडेंट्स हैं, और मुझे ये समझना है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, गुणवत्ता कैसे ला सकते हैं, तो मैं 5,000 स्टूडेंट्स के पास जाके पूछूं, इससे बढ़िया है मैं 100, 200, 500 लोगों से गूगल फॉर्म के जरिए या कि पर्सनली मिल के या कुछ इस तरह से हम फोकस ग्रुप डिस्कशन करके लें। तो जो 5,000 स्टूडेंट्स में से 500 लोग लेने हैं, उनका एक लिस्ट तो बनाना पड़ेगा, मतलब 5,000 लोगों का लिस्ट बनाना पड़ेगा। उस 5,000 में से फिर मैं कितना, 500 लोगों को कैसे लेता, तो 5,000 लोगों की जो लिस्ट है वो हमारा सैंपलिंग फ्रेम है। स्टूडेंट्स ऑफ दुर्ग यूनिवर्सिटी सैंपलिंग यूनिट है। समझ रहे हैं आप अंतर? और ये जो 5,000 में से 500 लोग आ रहे हैं, वो एकदम सही जानकारी दें, विश्वसनीय जानकारी दें, प्रतिनिधित्व तो करें 5,000 लोगों का, तो वो ही हमारा सैंपलिंग फ्रेम होगा यहाँ पे। और सैंपलिंग फ्रेम में से फिर हम 500 लोग चुनेंगे। उदाहरण के लिए एक नया चीज वही बता रहा हूँ। मान लीजिए दुर्ग विश्वविद्यालय में 50,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, मान लेने के लिए जिस तरह से बोल रहा हूँ, 50,000 स्टूडेंट्स में से गवर्नमेंट साइंस कॉलेज दुर्ग में जो 10,000, 15,000, 20,000 जितने स्टूडेंट हैं, उन सब का अगर मैं लिस्ट बनाऊं, और हम उन 5, 10, 15 हजार में से 500 लोग जो लेंगे, तो यहाँ ये पूरी लिस्ट बन जाएगी, और उस लिस्ट में से फिर 500 लोग लेंगे, ये हमारे सैंपल होंगे, नमूने होंगे, जो पूरे इसको जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करेंगे कि दुर्ग विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उनके ये एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, परफॉर्मेंस है, उनका ये व्यू है, ये ओपिनियन है। क्लियर हुआ? तो रिसर्च में हमें इन चीजों को बताना होगा। देन साइज ऑफ सैंपल, साइज क्या होगा सर? 100, 200, 500, 1,000 कैसे होगा? और ये एक, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो कई बार यूज होते हैं, कई बार बहुत सारी चीजों को, फैक्टर्स को ध्यान में रख करके डिसाइड होता है कि सैंपल का आकार फाइनल कैसे होगा। क्या 100 लोग
पर्याप्त होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, 500 होंगे, और उसके पीछे लॉजिक बताना है जो मैंने लास्ट क्लास में कही है। पिछली क्लास में हमने बात की है कि भाई आप बताइए लॉजिक साइंटिफिक मेथड में कि आपने 500 ही सैंपल, मान लीजिए 5,000 लोग हैं तो 10% सैंपल क्यों लिया, 15%, 20%, 9% क्यों नहीं लिया, कारण बताना होगा, लॉजिक बताना होगा। तो आप बताएंगे कि उसमें हमने ये सैंपल जो लिया है 10% का, उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि ये 10% जो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ले रहे हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ले रहे हैं, ये 5,000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं, टाइम नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, वगैरह जो भी चीजें हैं वो। तो सैंपल का साइज क्या है, ये भी रिसर्च डिजाइन में लॉजिक के साथ, और ये जब आप रिसर्च लिटरेचर रिव्यू वगैरह करेंगे तो वहां से आपको ये सारी जानकारी जो है आपको मिल जाएगी कि किस तरह से रिसर्च पहले हम जिस टॉपिक पे करने जा रहे हैं उससे आ रहे हैं, उसमें कितना सैंपल साइज लिया गया था। ठीक, क्लियर है? देन बजटरी कंस्ट्रेंट, बजट कितना है, कितना पैसा है और समय कितना है, वो सब भी ध्यान में रख करके, इसीलिए लिमिटेशंस ऑफ स्टडी लिखा जाता है। और सैम्पलिंग प्रोसीजर, सैम्पलिंग की प्रक्रिया क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। एक तो सैंपल साइज है, ऑफ कोर्स सब इंपॉर्टेंट है, बट प्रक्रिया किस तरह से, आप ये जो फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इनमें से सर मैडम आप कैसे ये 4 लोग को सिलेक्ट कर रहे हैं इतने में से? अब मान लीजिए ये 140 करोड़ है, या 5,000, 10,000, 20,000 जो भी, उनमें से आप इन लोगों को कैसे चुन रहे हैं? तो उसका जवाब, उसका जो रिप्लाई है वो यहाँ आगे मिलता है। ये यहाँ एक होती प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जैसे हमने बात की कि इसमें सबके समान अवसर होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी स्टडी में शामिल होने का, प्रतिनिधित्व करने का, और यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है या फिर चांस सैम्पलिंग भी कहा जाता है। इसमें इक्वल चांस ऑफ इंक्लूजन इन द सैंपल, लॉटरी मेथड एक बहुत बढ़िया है इसका एग्जाम्पल्स है, मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई सुविधा रिसर्चर के आशा आधार पर नहीं होगी इसमें, डायरेक्ट यही रहेगा कि हम जो है देखते हैं सबको अवसर मिले बराबर का। आंख बंद करके किसी पे भी हाथ रख लीजिए, वो हमारा सैंपल बन गया। दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या हो रहा है, इसको हम रिसर्चर जो है वो अपनी सुविधा के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस जजमेंट के आधार पे जो है, अपने उद्देश्य के आधार पे जो है सेलेक्ट करते हैं, नमूनाकरण या नमूनीकरण जो हम कहते हैं। इसमें क्या होगा, सबके समान अवसर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल मतलब हुआ, स्नो मतलब होता है बर्फ का गोला, तो जिसके जिसके हाथ में बर्फ का गोला है, मतलब एक दूसरे को बताते जाएंगे, रेफरेंस देते जाएंगे कि आप इनसे जाके मिल लीजिए, इनको एक्स वाई जेड इस टॉपिक पे ज्यादा पता है, या फिर बीमारी है इस एरिया में, अगर आप हेल्थ केयर पे रिसर्च कर रहे हैं इनसे जाके मिलेंगे तो आपको ये एक सैंपल मिल जाएगा। या फिर मेरा जजमेंट ये कहता है कि सबसे अच्छे ब्राइट स्टूडेंट्स मान लीजिए आप लोग हैं, तो आप लोगों से पूछ लूंगा तो पूरे उधर एरिया का मुझे जानकारी मिल जाएगी। तो ये मेरी सुविधा, मेरा रिसर्च, रिसर्चर के रिसर्च का अनुभव, उसके उद्देश्य, इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे अनुभव मतलब पर आधारित होता है सैंपल नमूने लेने का। रिसर्च में दोनों का अपना महत्व है, कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि हमको जस्टिफाई करना है लॉजिकली कि हम सैंपलिंग की कौन सी प्रक्रिया ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। जहां वो आपने बता दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, टाइम अच्छा हो रहा है, हो गया है, तो ये चीजें हैं। क्या अभी हमको ये डिस्कस करना है या फिर हम कल करें, ये इसमें ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा ही है इसमें, बताइए आप लोग।
आज करें, कल करें? ठीक है।